हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल पर एक्सलेंट स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसा कि पहले मैंने आपको ऑलरेडी जैसे स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, और इस चैप्टर का मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी पहले ही दे रखा है। और अभी हम लोग भारतीय संविधान में अधिकार क्लास 11 के चैप्टर का पार्ट 4 को अभी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको समअप करा दूं मैं कि मैंने आपको जो बैक क्लासेस में पढ़ाया था जस्ट पार्ट 3 में, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया था। ओके स्टूडेंट्स, बल्कि इससे पहले वाले जो पार्ट थे 3 से पहले भी मौलिक अधिकार को मैंने डिटेल किया था। मैं बता दूं कि कौन कौन से अधिकार अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहला समानता का अधिकार। ओके, उसके बाद आपने सब समानता के अधिकार में मैंने आपको बताया था 14 से लेकर 18 तक संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल में था। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बताया था जो कि 19 से लेकर 22 में। उसी के बाद मैंने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आज आपको पढ़ाना है स्टूडेंट्स पार्ट 4 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां नाम से स्टूडेंट्स क्लियर लग रहा है कि जो धर्म की जो स्वतंत्रता है और उसके बेसिस पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पर हमें जो राइट्स दिए गए हैं वो हमें इस टॉपिक में देखना है। ऑफ कोर्स, तो ये सबसे पहले तो आप ये समझ लो स्टूडेंट्स के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। वो क्या है आइए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि अपने धर्म को अपने तरीके से पालन करने का अधिकार, यानी हर इंसान को, हर व्यक्ति को राइट्स है, अधिकार है कि आप अपने धर्म को अपने तरीके से, यानी आपका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार आप अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हो। किसी तरह का आप पर कोई दबाव नहीं होगा, आपको इसका अधिकार है। ओके, उसी तरह से दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा धर्म बदलने का अधिकार। मान रखो, देखो बहुत सारे ऐसे धर्म है, बल्कि ज्यादातर तो धर्म ऐसा ही है जो कि अपना प्रचार वगैरह करते हैं, लोगों को बताते हैं। तो अगर किसी बंदे को लग गया कि यार ये धर्म जो है ना वो ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये ज्यादा बेहतर है हमारे निदान के लिए, तो अगर वो उससे अट्रैक्ट होके अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अगर चाहता है फॉलो करना, उसको अपनाना, तो वो अपने धर्म को बदल सकता है और दूसरे धर्म को अपना सकता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट में धर्म बदलने के अधिकार के संबंध में बात समझ में आती है। तीसरा पॉइंट है धार्मिक विश्वास का अधिकार। हर इंसान को अधिकार है, हक है कि वो अपने धर्म के ऊपर या फिर दूसरे धर्म के ऊपर भी वो विश्वास को अटिक और बनाए रख सकता है, यानी धार्मिक विश्वास का अधिकार उसे प्राप्त होगा। उसी तरह से धार्मिक पूजा पाठ सत्संग की स्वतंत्रता, पूजा पाठ और सत्संग की स्वतंत्रता, यानी कि इबादतें जो होती हैं, आप मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद वगैरह में आप इबादतों की स्वतंत्रता आपको दी जाती है, आप इबादत कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको धर्म के प्रचार का भी अधिकार दिया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, यानी हर धर्म वाले अगर चाहें तो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और आपको चाहूंगा कि इसमें आपको मैं और डिटेल से मैं बता दूं धार्मिक प्रचार के अधिकार का जो सेंस है। प्रत्येक धर्म के मानने वाले को अपने धर्म का प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर बहुल जो जातियां रहती हैं, जो धर्म वाले हैं, जैसे कि अपने हिंदुस्तान में मान ले तो यहाँ जो सनातन धर्मी है यानी जो हिंदुइज्म है वो ज्यादा तादाद में है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें धर्म फैलाने का अधिकार ज्यादा होगा और दूसरे को कम होगा, और जो और कम है उसको बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसी को मैंने कहा कि प्रत्येक धर्म के मानने वालों को अपने धर्म का प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त होगा। जितने हिंदू भाइयों को होगा उतने ही मुस्लिम भाइयों को होगा, सिख, जैनिज्म और ईसाइयों को भी होगा। तो
ये सेंस है इसका। और साथ ही साथ धर्म प्रचारक अपने धर्म के प्रचार के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, वो किसी तरह का लम लिफाफा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया पहले कि भैया धर्म का प्रचार कर सकते हो, अब धर्म के प्रचार के लिए आप जो है अधर्म बन जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप धार्मिक तरीके से हर धर्म जो है वो भाईचारगी का पाठ पढ़ाता है, एक दूसरे के धर्म की इज्जत करने वाला बताता है और एकता को बताता है। तो इस सारे चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बेसिस पर है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ओके स्टूडेंट, यानी मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पर इसको समझो आप, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, यानी शोषण का सेंस क्या है, किसी पे अत्याचार अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हमें अधिकार देता है, क्या हमें राइट्स देता है, क्या उसके लिए एक्सप्लोटेशंस हैं, वो यहाँ हम देखने वाले हैं। लेकिन ये सिविक्स के अकॉर्डिंग इस शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है उसके मुकाबले में क्या इसका सेंस है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका उद्देश्य है, वो मैं यहाँ पे पहले आपको एक लाइन में क्लियर कर दूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं, शोषण के विरुद्ध का उद्देश्य यानी मतलब और समाज के निर्बल वर्ग को शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से बचाना। शोषण के विरुद्ध का उद्देश्य है कि समाज के जो निर्बल वर्ग के लोग हैं उन्हें शक्तिशाली वर्ग के अन्याय से सुरक्षित रखना। ये सेंस है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो कैसे रखा जाए उसे सुरक्षित, अन्याय से जो शक्तिशाली हैं उनके अन्याय से निर्बल लोगों को, तो आइए उसके लिए कैटेगरियां देख लेते हैं। तो उसको मैंने यहां एक हेडिंग में दे रखा है, वेरी सिंपल, इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं दी गई हैं। वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? सबसे पहला होता यह है स्टूडेंट्स के जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, जो पिछड़े वर्ग के लोग, उन्हें पैसे की जरूरत होती है तो लोग जो है वो कुछ पैसे देके उसे जबरन जो है वो श्रम करवाने लगते हैं, मजदूरी करवाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करवा सकते, संविधान इसके लिए पूरी तरह से मनाही करता है। तो जबरन श्रम के लिए किसी मजदूर नहीं किया जा सकता, जबरन किसी के लिए, जबरन श्रम के लिए यानी कि मजदूरी वगैरह के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। हाँ, अक्सर ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों को आप अभी भी देखते होगे कि वो कल कारखाने में, आप होटल में देखोगे कि चाय अगर लेके आए, नाश्ता लेके आए, ज्यादातर छोटे बच्चे रहते हैं जो गांव वगैरह में, या फिर जो छोटे मोटी जो सिटीज हैं वहां भी ये हाल है आउट इलाका में। तो ये बाल मजदूरी हुआ ना, बाल का मतलब छोटा बच्चा जो है, तो किशोरावस्था में जो होता है, तो उससे मजदूरी करवाना भी कानून अपराध है, क्योंकि उसकी उम्र होती है पढ़ने लिखने की। अगर वो अभी काम करेगा तो फिर पढ़ेगा कब, और जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर राष्ट्र का भविष्य क्या होगा। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने बाल मजदूरी पर अंकुश लगाई है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। तीसरा पॉइंट, दास प्रथा मनुष्य का क्रय विक्रय बंधुआ मजदूरी अपराधिक माना जाएगा। दास प्रथा यानी होता ये था कि किसी को जो है ना वो पूरी तरह से जो है वो अपना नौकर बना के रख लिया जाता था। तो इस तरह से नहीं कि ये पहले के जमाने में हुआ करता था। मनुष्य का क्रय विक्रय, लोग जो है ना खरीदा करते, इसको जो है लौंडिया वगैरह कहा जाता है, मतलब कि दासी या फिर कनीज कहा जाता है, कि लोग व्यापते पहले के वक्त में तो ये मार्केट लगता था, इसका लोग बेचा करते थे, लोग खरीदा करते थे, उसे लोग बांदी बनाकर घर ले आया करते थे। हालांकि शर्म की बात है कि कुछ जगहों पर आज भी इस तरह का कुकर्म हुआ करता है। तो वो मनुष्य का क्रय विक्रय इस तरह से हुआ करता है, और भले अभी बाजार नहीं लगता है बट जो हाई प्रोफाइल लोग हैं काफी इसका बहुत बड़ा, क्या कहा जाए, समझ सकते हैं आप।
बंधुआ मजदूरी का ये सेंस है कि मजदूर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में बिल्कुल उठते उठ बैठते बैठ इस तरह का, यानी उसे पूरी तरह से अपने पास ही रख लिया जाता है, वो बंधुआ मजदूरी में। ये सारे जो है ना दास प्रथा, मनुष्य का क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी, ये अपराधिक माना जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये भी बिल्कुल ही गलत है, ऐसी सुनने से आपको लग रहा होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया वो क्या था स्टूडेंट, जल्दी बताओ जल्दी, वो था मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें बताए गए हैं उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं वो मैंने आपको शॉर्ट हैंड में बता दिया। उसी तरह से पांचवा मौलिक अधिकार जो है स्टूडेंट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। नाम से ही क्लियर स्टूडेंट्स, संस्कृति जो कल्चर है और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी हमारी जो कल्चर्स हैं, अलग अलग कल्चर्स होते हैं लोगों के, तो उस कल्चर को फॉलो करने का और जो शिक्षा संबंधी, शिक्षा को प्राप्त करने के बेसिस पर जो चीजें हैं उसका क्या हमें अधिकार दिया गया है वो हम देखने वाले हैं आर्टिकल 29 से 30 के बीच। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है अल्पसंख्यकों यानी माइनोरिटीज वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें किया जाता है। होता यह है कि इन्हें जो है ना पहले के वक्त में जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्हें पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, आप जो है वो किसी से टकरा गए तो वो भी छुआछूत का बहुत ज्यादा मामला था, और शिक्षा कहां से उन्हें भला दिया जाए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसमें दिया गया है। शैक्षिक संस्थाओं यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना का अधिकार इन्हें जो है वो अधिकार दिया गया है कि भाई आप अपने जो इंस्टीट्यूट है आप अपने विद्यालय को अलग से आप बना सकते हैं, आप यानी अल्पसंख्यक विद्यालय के नाम से आप ऐसा कर सकते हैं, शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप कायम कर सकते हैं। तो ये था आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को, मात्र मैंने आपको आसान सा दो पॉइंट्स मैंने कराया, काफी है आपके लिए। अब स्टूडेंट्स क्या है ना कि इसी से जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा शॉर्ट देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो वो क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को 4 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें से 2 मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए, जैसा कि अभी अभी आपने देखा भी था कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो स्पेशल बातें की गई हैं, तो अब मैं प्राउडली अलग से इसका देख लेता हूं क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो एग्जैक्टली इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला तो बात यह है बेटा कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों को योग्यता होने पर बिना किसी भेदभाव के नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बिना किसी भेदभाव के आपको जो है वो नौकरी दिया जा सकता है, भले आप किसी भी जाति के उच्च नीच क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए यहाँ स्पेशल प्रावधान दिया गया, वो क्या देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों अथवा पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए हैं, इनके लिए स्पेशल कैटेगरियाज बनाए गए हैं। दूसरा, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार होगा और उसका प्रबंध यानी इंतजाम वे स्वयं कर सकेंगे, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकती। स्टूडेंट ये ऐसा किया क्यों गया, एक्चुअली ये संविधान जब बना था ना तो उस वक्त में जो है वो जो अल्पसंख्यक थे, जो निचली जातियां थी उस पर जो है वो बहुत सारे अंकुश लगे हुए थे, वो पिछड़ी थी, वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं थी, वो जो है समाज के मेन तबके से बिल्कुल अलग रह रही, अगला रहना खुद चाहती थी, यानी वो उतनी उनमें जो है समझदारी वगैरह नहीं थी, लोग उतना पोस्ट पे नहीं थे, सिविल सर्विसेज में उसमें बहुत कम लोग थे, उसी तरह से बाकी नौकरियों में। तो इस वजह से जो है ये सारे प्रावधान दिए गए ताकि वो भी जो है मेन स्ट्रीम से जुड़ सके और भारत के नागरिकों के कदम से कदम मिलाकर वो आगे बढ़ सके। तो ये था स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बताया। मैंने आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी का था और समवय, और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स जो आने वाला है पार्ट 5 आपका, वहां मैं आपको बताऊंगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके स्टूडेंट्स,
तो आज के लिए इतना काफी है, मैंने आपको ये पार्ट फोर मैंने आज पढ़ाया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। अगर वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स आ रहा होगा आपको, तो प्लीज प्लीज अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों में भी स्टूडेंट्स शेयर करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।